तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ ठीक हो। तो दोस्तों, आज हम एक बेस्ट ऑडियो स्प्लिटर ऐप के बारे में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल कर देना है। और अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का नाम है लोभी। इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको ओपन करना होगा। तो ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक इमेज को ऐड करना होगा, तो चूज इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। और आप वीडियो में जो फोटो यूज करना चाहते हैं उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को ऐड करने के बाद आपको साइज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आपको क्रॉपिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक म्यूजिक को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपका पसंदीदा म्यूजिक को सिलेक्ट करना होगा और यूज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद इस वीडियो में पार्टिकल्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको पार्टिकल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पार्टिकल्स मिल जाएगा और आपका पसंदीदा पार्टिकल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारा पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा। तो पार्टिकल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कलर इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर इफेक्ट्स मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फोटो में फिल्टर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा कैटेगरी का फ्रेम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्रेम देखने मिलेगा। तो सिंपली आपका पसंदीदा फ्रेम को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो उसके बाद आपको बीट ऑप्शन पे आ जाना है। ऐसे करके आप बीट को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो बीट को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आपको बहुत सारा मोशन इफेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपका पसंदीदा मोशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे बीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। और आप वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको। और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, तो आपका पसंदीदा फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद आप वीडियो में विजुलाइजर को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइप का विजुलाइजर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप विजुलाइजर को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों, उसके बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा कुछ इस टाइप का आपको देखने मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो इस ऐप का जो वाटरमार्क है वो रह जाता है। तो इस ऐप का वाटरमार्क को आपको रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो वाटरमार्क रिमूव करने के लिए आपको एक ऐड को देखना होगा, तो वॉच ऐड पे क्लिक कर देना आपको। तो ऐड को देखने के बाद आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपको और वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना ही था वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं और एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले जाएं। धन्यवाद।